तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। क्या बोला तूने? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। मरियम के झोपड़ा लड़ पे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? I don't know। बंदा घड़ी बेचने गया, उसने कहा जी ये तो दुनिया में चार हैं, इस तरह की घड़ी बनी नहीं है। हाँ। अच्छा हमको सिखा रहा है। उसने शहजादे को फोन किया, उसने कहा कि ये घड़ी आपके यहाँ पे बिकने आई, उसने कहा मुझे वापस भेज। यार ये फंस गया सी। यार घड़ी तो तब भी चार थी, मुल्क तो तब भी एक ही है यार, लोग मुल्क गल जाते कोई कुछ नहीं कहता। तोड़ा नहीं है, अंदर की बात बताता हूँ। हीरो ने हमें 10,000 रुपए दिए। हम ऐसे इंतजाम पर लानत भेजते हैं, किसी ने पानी नहीं पूछे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए। अब बेटी यही वालों के साथ बैठ चुके हैं। ये देखे हम इनको इंसान समझते हैं, बड़ी बात है। हमें नहीं समझते। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। हर जलसे में हमें डीजल कहते हैं, हमने कभी बुरा नहीं माना। जली ना तेरी भी जली ना। आज पीटीआई वालों के साथ बैठ चुके हैं। अगर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज देख ले। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको नहीं पता? उनको पता है कि हम सस्ते में बिक जाएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ओ यारो वतन अजीज की जो सूरत हाल है ना, उस पर मैं कमेंट करने लगा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं कह रहा था कि अपना वतन अजीज जो है, इसमें इसकी हालत ऐसी है, और ये जो लोग हैं बड़े बड़े वड्डे लोग, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल वो फैसले शैसले करने वाले हमारी जो जिंदगियां कंट्रोल करते हैं, लगता पता क्या इन सब लोगों ने धोतियां पहनी हुई है। वो जब कोई गरीब आदमी हमारी तरह का जाता है वो आगे से उठा देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और वो अमीर आदमी आए तो पीछे से उठा देते हैं। ये तो होगा। डॉलर नीचे जा रहा है खुदा से। चल झूठा। पूरी कौम से मेरी दरख्वास्त है कि वो डोरियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए तो बारे न्यारे हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बस यहाँ पे बस तो खाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू ला तक़नतु मिनर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़ुरु ज़ुनूबन जमीया। माशाल्लाह वाह जी वाह सुभान अल्लाह।